बल्ले 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 ले बबी, नीलम के पैर के निशान तो आखिरी यहां तक है। ले आओ काका दावड़ा। अरे बाबा, और पैरों के निशान तो यहाँ गए मुक, और नीलम कहाँ गई? मेरी बात सुनो, ये पैरों के निशान यहाँ ख़त्म हो गए तो ये टायर का निशान है, आगे तो खुद ही समझ जा। मैं कुछ समझा नहीं हूँ, क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि किसी गाड़ी में बैठ गए, रघु चक्कर हो गई है वो, इतना भी नहीं समझता तू? यानी कि अब इस गाड़ी के टायरों का पीछा करना है? हाँ बिल्कुल, पीछा करना है। ये निशान तो पक्की सड़क पे जाके ख़त्म हो जाएंगे बाबा। हमें पक्की सड़क तक जाने की क्या ज़रूरत है, हमें तो निशान पे जाना है। ये गाड़ी आई किधर से है? मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। नहीं, मैं यहाँ अकेली। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी का एसी चल रहा है, सामने गार्ड खड़ा है। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। क्यों, मेरे साथ जाने में आपको कोई मसला है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है। तो बस ठीक है ना, फिर मैं साथ में ही चलूंगी आपके। हो गया, चलो। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून जाहिद, पार्टी अभी बैठी? सर आए, आपको पार्टी से मिलवा दो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें काम करो, फाइल अंदर ले आओ, मैं वहीं साइन कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट सर। बैठो। बैठो ना। हाँ। मैं आई कमिंग सर? या कम। थैंक यू। डील ठीक होगी? यस। नीलम तेरा सत्यानाश, रोज हमारे घर तोड़ देती है ना। तो रोज तुम लोग मेरे रास्ते में ये मिट्टी के कार क्यों बना देते हो? हाँ तो और क्या करें, ये गरीबों वाले कार बनाना छोड़ दो, बड़ा सा एक ताजमहल बनाओ। ताजमहल आज मैं ऑफिस वापस नहीं आऊंगा। राइट सर, कल जी चलें शॉपिंग पे। चल, लेट्स गो। क्या हुआ बाबा, रुक क्यों गया? ओ
ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ये गाड़ी के निशान तो करामत अली के घर जा रहे हैं सीधे। तो फिर अब करामत अली बताएगा कि उसके घर आया कौन था। चलो ये मेरे साथ। बात है बब्बी, कौन आया था कल रात को तेरे घर? क्या हुआ? खैर तो है? मैंने पूछा, कल रात को जो गाड़ी तेरे घर से शहर की तरफ रवाना हुई है, उसमें था कौन? जुनेद साहब थे, चुदरानी जी से मिलने आए थे, मुलाकात भी हुई थी, तो तुम भी तो वहीं थे। आखिर बात क्या है? बड़े अच्छे कपड़े दिलवाए हैं आपने। Really? और ये जूते भी? हाँ, जूते भी। इतनी हील आप पहन लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने ना मॉडलिंग के शो देखे, वो नूर बानो के टेलीविजन पे, और हील पहन के मैं चला फिरा भी करती थी। फाइन जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं। जी, मैं जाऊँ अपने कमरे में? Of course, sure. नीलम, नीलम कहाँ है तू? तुझे मैं कब से कॉल कर रही थी, तूने ऐसी हरकत क्यों की? नीलम, अगर भाग नहीं था तो एक दफा मेरे से मशवरा तो कर लेती। खामोश को अब कॉल करके बोल ना, कहाँ है तू? नीलम मेरे पास महफूज है। कौन आप? आप कौन बात कर रहे हैं? देखिए जी, मैं शहर से बात कर रहा हूँ। नीलम मेरे पास है, मैं नीलम को कॉल करना चाहता हूँ, इसीलिए आपको फोन किया मैंने। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है, नीलम को गांव मत लेकर आना, सारे उसकी जान के दुश्मन है, अगर नीलम यहाँ आ गई तो उसे कोई ना कोई जान से मार देगा। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि उसकी जान को खतरा? आपको नहीं पता, बेबे ने नीलम की मौत का हुक्म सुना दिया। वो है कहाँ खुदा का वास्ता, मेरी एक दफा उसे बात तो करा दे। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मुझसे? नहीं नहीं, उससे नहीं मिल सकते आप। देखिए, मैं नीलम को उसके घर पहुंचाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
मैंने आपको कहा है ना कि उसकी जान को खतरा है, धक्का वास्ते उसे यहाँ मत लाइएगा, मेरी एक दफा बात करा दे उसे। ठीक है, मैं नीलम से कहता हूँ कि वो आपको दोबारा कॉल करती है। नीलम, वो एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारी दोस्त नूरबानों से बात की थी और मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि मेरे वापस गांव जाने में मेरी जान को कितना खतरा है ना? क्या वाकई वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन? अगर यकीन नहीं है ना, ले चले मेरे गांव, मेरे साथ साथ ना आपकी भी जान ले लेंगे वो। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं है। बस ये दूर वाले को फोन कर लो, तुमसे बात करना चाहती। मुझे किसी से बात नहीं करनी, नूरबानों से भी नहीं। तो ये वही लड़का है? जो करामत के साथ आगों के तनाजे की बात करने आया था? 100% वही मालूम। फिर क्या करामत से कि बुला ले अपने जुनेद साहब को और कह दे उसे कि मैंने बागों का फैसला कर दिया। जुनेद साहब, क्या उसे पता है क्यों नंबर बन जा रहा है इसका? नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता नीलम को गांव मत लेकर आना, सारे उसकी जान के दुश्मन है। अगर नीलम यहां आ गई तो उसे कोई ना कोई जान से मार देगा। बेबे ने नीलम की मौत का हुक्म सुना दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जुनेद साहब, ओ जी करामत बोल रहा हूँ जी। हाँ करामत। वो जी वो हवेली से ना चुदराणी जी का पैगाम आया है, वो जो हमारा तनाजा था ना जी, उसका फैसला कर दिया उन्होंने। हाँ जी, वो हवेली का बंदा बता रहा था कि वो फैसला हमारे हक में हुआ है और वो आपको याद कर रही है जी, खास तौर पे आपको बुलाया हवेली में। लेकिन उन्होंने तो 4 दिन का वक्त मांगा था। ओ बस जी, वो किसी वजह से उन्होंने जल्दी फैसला कर दिया है। आप जल्दी से पहुंचे जी, मैं ना कहता था कि चुदराणी जी का जो इंसाफ है ना, वो आसपास के 10 पिंडों में मशहूर है। ठीक है, मैं कल पहुंचता हूं। ठीक है जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ले भी बबी, जुनेद साहब आ रहे हैं।
से शहर गया तो तेरी गाड़ी में तेरे साथ लड़की भी थी। कहाँ है वो लड़की? गांव की बेटी पूरे गांव की इज्जत होती है और हम अपनी इज्जत की खातिर जान भी दे सकते हैं। और अगर कोई हमारी इज्जत पे हरफ लाने की कोशिश करे तो उसका सर काट के गांव के मैदान में लटका देते। हमारे खोजी के मुताबिक जहां नीलम के पैरों के निशान रुक जाते हैं ना, वहां से तेरी गाड़ी के टायरों के निशान आगे जाते हैं। और हमारे तरीके तफ्तीश के मुताबिक 100% लड़की तुम्हारे साथ गई है। नीलम कम्बा किधर है तू? देख लो नूरबानो, मैंने अपनी जान बचा ली है रोशन और पुप्पो से। कब से तेरा नंबर मिला रही हूँ मैं, नंबर क्यों ऑफ किया हुआ था तूने? मेरे ना किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए फोन भी बंद कर दिया। सही है, फिर भुक तो अंजाम। तेरी जो मन मानी है ना, तेरे साथ तेरी मोहसिन की जान भी ले लेंगी। केड़ा मोहसिन? जुनेद की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ सबको पता चल गया कि तू शहर जुनेद के साथ गाड़ी में भागी थी और बेबे ने जमीनों के बहाने से जुनेद को कॉल करके यहाँ बुलाया था। यही बताने के लिए मैं तुझे बार बार कॉल कर रही थी और तूने नंबर ही बंद किया हुआ था। ना तो जुनेद से उनको क्या काम पड़ गया, और जुनेद तो बच्चा थोड़ी है कि कोई भी बुलाएगा वो वहां चला जाएगा। नीलम जुनेद हवेली पहुंच चुका है। देख नूरबानो, खुदा के लिए उसे बचा ले, वो तो बेकसूर है, मासूम है वो तो। मैं तो बस दवा कर सकती हूँ कि उसकी जान बचे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और मेरा मतलब है कि तुमने क्या करना है, कहाँ जाना है? जाहिर है तुम हमेशा यहाँ तो नहीं रहोगी, वरना जिसने सब कुछ मेरे साथ रह के सीखा हो वो नमक हराम नहीं हो सकता। ये नक होती रानी, इंसान पे जब तो रहा था ना तो वो अपनी तरस का खुद मर जाता है। मैं उस कमीनी को तेरे मरने या मेरे जीने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो है ही खुदगर्ज, लालचन, कारों और कोठियों का ख्वाब देखने वाली।